दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जैन घटिया विधानसभा क्षेत्र में और घटिया थाना क्षेत्र में आने वाले पिपलिया वीछा गांव में निवास करने वाले कई गरीब मजदूर आदिवासी हरिजन जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं और खेती किसानी शासकीय चरणहीन भूमि पर खेती किसानी कर गुजर बसर करते हैं और पेट भरते हैं, करीब 50 वर्ष से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री कमलनाथ के खास समर्थक बताने वाले एक कांग्रेसी नेता ने शासकीय पहाड़ पर किया कब्जा और पहाड़ की गिट्टी मुरम और पत्थर हो रहे हैं गायब और मेहनत मजदूरी करने वाले आम नागरिकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और जान से खत्म करने की बात कही जा रही है। गांव में निवास करने वाले महिलाएं और बच्चे कहते हैं कि कांग्रेसी नेता गांव में आते हैं पिस्तौल और बंदूक लेकर और कहते हैं कि तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई किसानों के रास्ते किए बंद, आम नागरिक परेशान। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम छगन लाल है। अच्छा, पिपलिया बिछा रहता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरी दिक्कत ये है कि मेरा बाप दादा जमीन आंख के रह गए, 35 वर्ष का कब्जा था मेरा। फिर क्या हुआ? तो वहाँ गए साल जो है, रवि नाम शुक्ला का एक आदमी है, उसकी ज़मीन नपाई 2021 में, उस नपती से बाहर है वो ज़मीन अपनी, जबकि उसने 6 महीने तक उसने खुदाई करी वहाँ पे, वो पत्थर पक्का निकलने के कारण अपनी ज़मीन पे अवैध कब्जा कराया उसने और थंबे गाड़ दिए और वहाँ खुदाई कर रहा है और पत्थर की पाल जो थी मेरी वो सारी पत्थर की पाल भी भर भर के ले गया, बेच दी उसने। इसके बाद में 2022 में तारीख 2/9/2022 के दिन उन्होंने जो है जेसीबी द्वारा 15 बीघा का सोयाबीन और 2 बीघा की मूंगफली जेसीबी चला के नष्ट करवा दी गई और ना तो मेरा कोई शासन सुन रही है ना कोई भी नहीं सुन रहा। आपका कहाँ रहती है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है आपको? सुगन भाई। अच्छा, क्या हो रहा है, कहाँ रहते हैं? फसल 35 साल गया हमारा कब्जा है, जमीन सरकारी है हमारे पास और रवि शुक्ला ने है तो 2021 में नपाई ली और जिसके बावजूद उन्होंने खड्डा भी खुदवा लिया, उसके नपती के बाहर हमारी ज़मीन थी उसमें खड़ी फसल उन्होंने नष्ट कर दी और माँ है तो गाली गुप्ता करे और धमकी दे, 2 आदमी खड़ा कर दूँगा मैं, तुम्हारे मार डालेगा, तुम्हारे जेल पहुँचा दूँगा, क्या करोगा तुम, 7 जना नहीं देगा हमारे, धमकी देता है और गोली मार दूँगा तो कहीं यहीं खड़ा रहना ना, पड़िया रहना, सड़ा रहना नहीं बैठे यहीं खेत पे, मैं है तो कह माँ इंदौर जाके उसको बोल दूँगा गोलू भाई के, तो गोलू को बोल दूँगा तो मार देगा गोली, नहीं बैठे ना पड़े रहना यहीं पर, मैं 2 आदमी खड़ा कर दूंगा मैं लेके, क्या करोगे तुम, 7 जना नहीं देगा, तो हमारी जमीन बेल दी और साहब है ना, खाओ ना दाना भी नहीं छोड़िया हमारा घर में, आन से मोहताज कर दिया, छोटा छोटा बाल बच्चा देख लो, एक घर ऐसा है हमारा, क्या है हमारा ये डांडा।